तो आज आपके लिए बहुत ही शानदार मशीन हम लेकर आए हैं और ये मशीन आपके लिए श्याम एग्रो इंजीनियरिंग केकड़ी लेकर आए। किसान भाई, ये मशीन इतनी शानदार है कि आपके पास छोटा ट्रैक्टर भी है ना तो भी आराम से चलेगा। और मैं आपको बता दूं, भारत की लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल देगा और इसकी कैपेसिटी कम नहीं रहने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप बोलते हो कि रेट, तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम आपको रेट भी बताएंगे कि इसके अंदर कितने मॉडल आ रहे हैं और क्या क्या रेट रहने वाली है, आपको किस प्रकार मिलेगी, कौन कौन सी पसंद निकालेगी, इसकी एक घंटे की क्या कैपेसिटी है, गीला माल कितना निकाल देगी और इसके क्या क्या फीचर्स है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आम तौर पर मार्केट में जो मशीनें आती है उसमें जो साइड डोली वाली, उसके अंदर एलिवेटर भी नहीं आता है, लेकिन इस मशीन में आपको एलिवेटर भी मिल रहा है। और मशीन के साथ आपको क्या मिल रहा है वो भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो किसान भाई, सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। आमतौर पर आपने मशीनें देखी होगी जिसमें साइड डोली रहती है ना, उसमें माल डालने के लिए आदमी को ऊपर खड़ा रहना पड़ता है, उसकी इतनी हाइट रहती है। लेकिन इसकी डोली आप देखिए किसान भाइयों, अगर आप नीचे खड़े रहकर भी इसके अंदर माल डालना चाहते हैं ना तो आसानी के साथ डाल सकते हैं, और अगर आप ऊपर खड़ा रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन आप इसे अपनी इच्छानुसार मशीन को चला सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रही है स्टैंड, यहाँ पर आप खड़े रह सकते हैं और नीचे, यानी अगर आपके पास मजदूर दो या तीन भी है ना तो भी इस मशीन को आराम के साथ चला सकते हैं। और सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, ये मशीन आपको 40-38 इंच के ड्रम साइज में मिलेगी। और इसकी ब्लेडें की बात करें तो इसकी ब्लेडें आपको बता दूं कि इस मशीन में आपको 88 ब्लेड मिलेगी, यानी आप इस मशीन से गीला माल भी निकाल सकते हो और आपको इस मशीन में बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं आएगा। आप डोली की डिजाइन देखिए, ये ऐसे मान लो कि ऑटोमेटिक चलेगी। ये जो आप ऊपर प्लेट देख पा रहे हो, इसे आप नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, के अंदर आप माल डालते जाओ, इसकी जो आप ये प्लेट की जो साइज रहेगी उसके अनुसार ये माल अंदर लेती रहेगी। और देखिए कि माल को अंदर ले जाने के लिए यहाँ पर रोलर लगाकर उस पर प्लेट लगाई हुई है, जिससे कि आपका माल बहुत ही आसानी के साथ अंदर जाएगा। और जैसे आप ब्लेड की क्वालिटी देखिए, इस मशीन में आपको 88 ब्लेड मिलेंगे और ब्लेड भी आपको हेवी क्वालिटी के मिलेंगे। जैसा मैंने बता दिया कि 40-38 इंची ड्रम साइज में ये मशीन आपको मिलेगी। तो आप ये हुक वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। किसी ट्रैक्टर में हुक ऊपर रहता है, किसी में नीचे, यानी आप अपनी इच्छानुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो आप पुलियाँ देख पा रहे हैं, टायर बेल्ट के अंदर आपको यहाँ पर पुल्ली मिलती है, जिससे कि बेल्ट वेल्ट तोड़ने जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती और बैलेंस बना रहता है। और यहाँ पर ये अलग सा सिस्टम देख पा रहे हैं आप, बेल्ट के साथ ये चालने का सिस्टम आ रखा है, इससे आप अपनी चालने की गति कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, जब भी आप गीला माल निकालते हो तो चालने की गति ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि चालने पर माल बिखर जाए और अच्छे से सफाई से आगे आ जाए। तो इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है। और जैसे ही इसकी अगली तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर एक व्हील देखने को मिलता है। इस मशीन में आपको दो व्हील मिलते हैं, दोनों का वेट समान है और व्हील भी बहुत हैवी क्वालिटी का है, जिससे क्या है कि मशीन का बैलेंस बना रहे और ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़े, इस प्रकार से इसको डिजाइन किया हुआ है। और जैसे अगली तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर एक खिड़की मिलती है, जिससे कि आप अपने चालने पर किस तरह माल आ रहा है वो देख सकते हैं। अगली तरफ आते हैं तो आपको इस मशीन में तीन फैन मिलेंगे, दो फैन तो आपके यहाँ पर ओपन है और एक फैन पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। आपको दोनों तरफ आपको इस फैन को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम मिलता है, आप हवा को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। बारीक फसल में आपको हवा कम रखनी है, अब चना जब निकालते हो, मूंग निकालते हो, सरसों निकालते हो, उसमें हवा थोड़ी ज़्यादा रखनी, जिससे कि आपके माल में सफाई अधिक से आए। और जैसे ही आप इस तरफ देख पा रहे हो, ये बेल्ट के अंदर यहाँ पर पुलियाँ दे हुई है, इससे क्या है कि आप अपने फैन के आरपीएम भी सेट कर सकते हैं कि किस तरह कौन सी फसल में हवा कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, यानी आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह इस मशीन को चलाना चाहते हैं बहुत ही आसान बन जाएगा। और जैसे इसके पीछे की तरफ आते हैं तो मैंने बताया था कि दो व्हील मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर ये इस मशीन में सेकेंड व्हील मिलता है और इस व्हील का भी वज़न उतना ही है, जैसे कि क्या है कि आपके ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा और मशीन पर बैलेंस बना रहेगा। और जैसे ही ये आप एलिवेटर देख पा रहे, पहले की मशीनों में एलिवेटर साइड में आता था तो जिसे रास्ते पर ले जाने पर एक्सीडेंट होने का डर रहता है, लेकिन इस बार कंपनी ने बहुत शानदार इसको बिल्कुल पीछे दे दिया है, जिससे कि आपके एलिवेटर में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ट्रॉली के अंदर लोड करना चाहते हो तो सीधा ट्रॉली के अंदर लोड भी कर सकते हो, अगर आप सीधा कट्टे बोरी के अंदर हुक लगाकर यहाँ पर लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। और अब आपको सबसे महत्वपूर्ण इसकी क्वालिटी दिखाते हैं। देखिए किसान भाई, ये जो कटोरियाँ लगी हुई, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिससे कि आपकी फसल में दाना फोड़ने जैसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा आप ये शेप देख पा रहे हो, इसका शेप का डिज़ाइन इस तरह से कि आपका माल बिल्कुल कुछ एक दाना भी यहाँ पर रुकेगा नहीं। और जैसे ही हम मशीन की अगली तरफ चलते हैं तो आप ये एक फैन और देख पा रहे हो, ये यहाँ पर प्लेट दी हुई है,
तो इन नट बोल्ट की मदद से आप प्लेट को अंदर बाहर कर भी हवा कम ज़्यादा कर सकते हो, जिससे कि ये हवा इधर से फेंकेगा तो आपके माल के अंदर बहुत अच्छी तरह से सफाई होकर आएगी। और जैसे अगली तरफ आते हैं तो आपको इस मशीन के अंदर MRF के 616 के ओरिजिनल टायर मिलते हैं, और हम भी बहुत जल्द इसका लाइव वीडियो सेटिंग की और संपूर्ण जानकारी बारे में कैसे लाइव आपको रूबरू करवाएंगे, जिससे कि आपको भी ऑपरेट करने में आसानी हो जाएगी। तो किसान भाई, मैंने इस मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी, तो अब आपको बताते हैं कि इसकी क्या रेट रहने वाली है, आपको किस प्रकार मिलेगी और मशीन के साथ आपको क्या क्या मिलेगा। तो किसान भाई, आपको बता दें कि इसकी रेट की बात करें तो मात्र 2,65,000 रुपये इसकी रेट है, और इसके जो जाल लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है और एक मशीन के साथ आएगा। तो अब मैंने आपको रेट भी बता दी, तो अब बताते हैं कि आपको ये किस प्रकार मिलेगी। तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं, श्याम एग्रो इंडस्ट्रीज केकड़ी अजमेर, तो उनसे आप संपर्क करके इस मशीन के बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए तो होम डिलीवरी मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। किसान भाई, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, और इस मशीन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो भी कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं एक और शानदार और कमाल के वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।